आपदा जोखिम को देखते हुए समय समय पर आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, साथ ही प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। इसी को देखते हुए शिमला में स्कूली बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इन बच्चों को आपदा प्रबंधन पर जागरूक किया गया। शिमला में होमगार्ड व सिविल डिफेंस द्वारा आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को आपदा से निपटने को लेकर जागरूक किया गया। होमगार्ड 3rd बटालियन शिमला की कमांडेंट नविता शर्मा ने बताया कि आपदा के समय यदि जानकारी हो तो उस स्थिति में जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समय समय पर विभिन्न तरह के जागरूकता शिविर के साथ साथ ही प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों को आपदा से निपटने के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए। देखिए, हमारी जो ये संस्था है, दिस इज सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स इज अ ट्विन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है हमारा मेन मोटो रहता है लोगों को अवेयर करना डिजास्टर्स के प्रति, और जब जब भी किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो वी हैव ट्रेन्ड पीपल विद अस। ऑल दो द स्ट्रेंथ ऑफ माई दिस बटालियन इज 610, बट मैक्सिमम सभी लोग ट्रेन्ड हैं, परंतु आज की डेट में भर्ती नहीं हो रही है, तो इस कारण से वी आर लैकिंग फ्यू स्ट्रेंथ। तो इस वजह से 410 के आसपास हमारे पास अभी 425 के आसपास रह गए हैं जवान। तो इस कारण अदरवाइज ऑल आर ट्रेन्ड। और जहां तक बात है बच्चों को एजुकेशन देने की, बच्चों को क्या, हम लोग तो पूरी सोसाइटी को एजुकेशन दे रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट वी आर डीलिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके तहत हम लोग सिविलियंस को ट्रेनिंग देते हैं, इसके लिए हम बेसिक रिफ्रेशर कोर्सेज भी चलाते हैं सिविल डिफेंस में। और ये ना केवल इस बटालियन का ही काम है, पूरे हिमाचल में जितनी भी बटालियंस हैं वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू डील विद एनी डिजास्टर। डिजास्टर किसी भी प्रकार का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ मैन मेड एंड इट कैन बी ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी। तो बच्चे, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि दे आर एक्चुअली पिलर्स ऑफ फ्यूचर, उन्हीं के ऊपर पूरी देश की जिम्मेदारी उन्हीं के शोल्डर्स पे आने वाली है। तो आर मेन इंटेंशन रिमेन्स लाइक दिस कि हम बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं, एंड आई बिलीव इन दिस दैट अगर हम बच्चे, दे आर जस्ट लाइक सीड्स, उनके दिमाग में भी कोई चीज डल जाएगी तो इट विल गो देयर थ्रू आउट देयर लाइफ। और वो ना केवल उस नॉलेज को खुद तक सीमित रखेंगे, हालांकि वो पूरी अपने परिवार में, एंड एज वी नो परिवार एक छोटा सा समाज होता है, और वो वहीं से छोटा समाज करके एक से दो परिवार, दो से आगे ज्यादा से ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।